हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लैंग्वेज लर्निंग। आज मैं आर्टिकल का थर्ड वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आपको बताएंगे कि कहाँ पे ए और एन का यूज करना है। इससे पहले वीडियो में भी आपको बताया गया है बेसिक पॉइंट कि कहाँ पे ए का यूज करेंगे और कहाँ पे एन का यूज करेंगे। तो आप जैसा कि बोर्ड पे देख रहे हैं, कुछ पॉइंट दिए गए हैं। जैसा कि आप देखिए, इफ़ अ प्रॉपर नाउन यूज एज अ कॉमन नाउन, ए और एन इज यूज्ड बिफोर द प्रॉपर नाउन। तो अगर आप रूल को देखेंगे तो आर्टिकल का यूज प्रॉपर नाउन के पहले नहीं किया जाता है। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन इस रूल में साफ साफ लिखा गया है कि अगर प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन के रूप में होगा, तब हम लोग प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज करेंगे, यानी ए या एन का यूज करेंगे। तो अब समझना ये होगा कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, यानी वैसा नाउन जो किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास जगह के नाम को सूचित करता है, उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके सामने कि यू आर अ कालिदास, यू आर अ कालिदास, या यू आर अ तेंदुलकर। आपके सामने दो एग्जाम्पल दिया गया है, एक है यू आर अ कालिदास और यू आर अ तेंदुलकर। तो अब यहाँ पे जो कालिदास है वो कौन सा नाउन है, तो यह है प्रॉपर नाउन। जबकि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन ये कंडीशन क्या शो कर रहा है कि अगर प्रॉपर नाउन होगा और कॉमन नाउन के रूप में यूज होगा, तो ऐसे कंडीशन में हम प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का यूज करेंगे, यानी आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे कि यू आर कालिदास, इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप कालिदास की तरह हैं, यानी जिस तरह से कालिदास स्कॉलर हैं वही क्वालिटी आपके अंदर पाया जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज करते हैं, यानी ए एन का यूज करते हैं। इसके बाद देखें सेकेंड एग्जाम्पल में कि यू आर अ तेंदुलकर, तब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप तेंदुलकर हैं। इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार से तेंदुलकर गेम खेलते हैं उसी प्रकार से आप भी खेलते हैं, यानी उसकी क्वालिटी जो है आपके पास है। यानी अगर जहाँ भी प्रॉपर नाउन होगा और कॉमन नाउन के रूप में यूज होगा, तब हम लोग वहाँ पे आर्टिकल का यूज करते हैं। इसके बाद देखिए सेकेंड रूल क्या बोलता है कि इफ टू एडजेक्टिव्स ज्वाइंड बाय एंड, यानी दो एडजेक्टिव होगा जो एंड से जुड़ा रहेगा, एंड से कनेक्टेड होगा, इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और क्या होगा, इसका यूज जो होगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा, एंड इट डिनोट्स द सेम पर्सन और थिंग ए और एन यूज बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव। इसका मतलब ये है कि यदि दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हों और फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल ए लगा होगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या शो करेगा, सेम थिंग, यानी एक ही चीज़ को शो करेगा। तो अगर फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगाएंगे ए या एन, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि एक चीज़ यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे अगर मैं ये लिख दूँ कि द ब्लैक या अ ब्लैक एंड वाइट शर्ट, आप इस एग्जाम्पल देख के देखिए, ब्लैक और वाइट दोनों क्या है, एडजेक्टिव है। ब्लैक और वाइट क्या है, एडजेक्टिव है जो एंड से क्या है, जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। तो अगर आप फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि एक ही चीज़ को शो कर रहा है, यानी सेम पर्सन, सेम थिंग। तो यहाँ पे क्या है कि सेम थिंग को शो कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि एक ही शर्ट है, शर्ट क्या है, एक शर्ट है जो ब्लैक और वाइट दोनों है। तो अगर फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लग गया, ए एन लग गया, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक चीज़ को शो करेगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ए ब्लैक एंड
वाइट काउ, इसका मतलब क्या हुआ? ये भी इस सेंटेंस में भी ब्लैक और वाइट दोनों क्या है, एडजेक्टिव है जो एंड से क्या है जुड़ा हुआ है, यानी ये दोनों जो है एडजेक्टिव हैं और एंड से जुड़े हुए हैं। जैसा कि रूल में दिखाया गया था कि इफ टू एडजेक्टिव्स ज्वाइंड बाय एंड इज यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड इट डिनोट्स द सेम पर्सन और थिंग, ए और एन यूज बिफोर ऑफ द फर्स्ट पर्सन फर्स्ट एडजेक्टिव, यानी अगर दो एडजेक्टिव एन से जुड़ा रहेगा तो फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले अगर आप आर्टिकल लगाते हो तो उसका मतलब यह है कि एक चीज़ को शो करेगा, यानी एक ही काउ है जो ब्लैक और वाइट दोनों है। तो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन हो सकता है कि अगर ऐसे हम लगा दें ए ब्लैक एंड अ वाइट काउ, अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ भी एंड से जुड़ा हुआ है दो एडजेक्टिव ब्लैक एंड वाइट, लेकिन फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले भी आर्टिकल है और सेकेंड एडजेक्टिव के पहले भी आर्टिकल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो डिफरेंट थिंग्स हैं, दो डिफरेंट काउ है। तो अब दो को शो कर रहा है यहाँ पे, अगर दोनों के पहले आप आर्टिकल लगाते हैं तो, यानी इसमें क्या बताया गया कि दो काउ है जिसमें एक ब्लैक है और एक वाइट है। उसी प्रकार से अगर इसमें भी लगा दें वाइट के पहले आर्टिकल, तो इसका मतलब यह है कि दो शर्ट है जो एक ब्लैक है और एक वाइट है। तो आर्टिकल का यूज जो करना है आपको देखना होगा किस तरह का शो कर रहा है। अगर दोनों के पहले लगाएंगे तो दो चीज़ को शो करेगा, अगर एक के पहले लगाएंगे तो एक चीज़ को शो करेगा अगर दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हो तो। इसके बाद नेक्स्ट रूल देखते हैं। उसी रूल की तरह है, उसमें क्या बताया गया कि यदि दो एडजेक्टिव एंड से ज्वाइन हो और फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले अगर आप आर्टिकल लगाते हैं तो एक चीज़ को शो कर रहा था, लेकिन अगर आप दोनों एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगाते हैं तो दो अलग अलग चीज़ को शो कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेम रूल है लेकिन डिफरेंट ये है, यहाँ पे नाउन की बात किया जा रहा है और किस तरह का नाउन होगा, सिंगुलर नाउन। अब सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं? इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन, यानी वैसा नाउन जिससे एक का भाव व्यक्त होता है उसको बोलते हैं सिंगुलर नाउन। तो अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से ज्वाइन रहेगा एज यूज टू डिनोट द टू डिफरेंट पर्सन्स और थिंग्स। अब यहाँ पे क्या है कि दो सिंगुलर नाउन रहेगा एंड से ज्वाइन रहेगा और दो अलग अलग चीज़ को शो करेगा, अलग अलग पर्सन को शो करेगा, तब क्या करना है कि एन इंडिफिनिट आर्टिकल, जैसा कि आपको बताया गया है इंडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, ए एन को हम लोग बोलते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल, इज यूज बिफोर इच सिंगुलर नाउन, यानी जितना भी सिंगुलर नाउन होगा सब के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल यानी ए एन का यूज करना है। और जब आप करेंगे तो इसे दो चीज़ को, दो पर्सन को, दो थिंग्स को शो करेगा। जैसे आप देखिए अ क्लर्क एंड अ कैशियर, एक एग्जाम्पल है। ये जो क्लर्क है और कैशियर है वो सिंगुलर नाउन है, क्या है, सिंगुलर नाउन है और दोनों जो है एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों के पहले यानी फर्स्ट सिंगुलर नाउन और सेकेंड सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल इंडिफिनिट लगा हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि दो लोग हैं यहाँ पे, जो एक क्लर्क है और एक कैशियर है, लेकिन इफ टू सिंगुलर नाउन ज्वाइंड बाय एंड यूज टू डिनोट द सेम पर्सन्स और थिंग्स एंड इंडिफिनिट आर्टिकल इज यूज बिफोर फर्स्ट सिंगुलर नाउन, यानी अगर आप देखते हैं कि दो नाउन है, दोनों सिंगुलर है एंड से जुड़ा हुआ है और एक ही चीज़ को बताएगा, एक ही व्यक्ति होगा, तो ऐसा कंडीशन में फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल लगाना है। जैसे द अ प्रिंसिपल एंड टीचर, अ प्रिंसिपल एंड टीचर। इस एग्जांपल में भी दो सिंगुलर नाउन हैं,
एक प्रिंसिपल है और एक टीचर है। तो अब दो सिंगुलर नाउन जो हैं ये भी क्या हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि सेम चीज़ को शो करेगा, सेम पर्सन को शो करेगा। जैसे एक ही यहाँ पर व्यक्ति है, एक ही पर्सन है जो प्रिंसिपल भी है और टीचर भी है, लेकिन इसी को अगर हम इस प्रकार से लिख दें, अ प्रिंसिपल एंड अ टीचर। अब इसमें क्या होगा, दो सिमिलर नाउन है, एंड से कनेक्ट है, दोनों के पहले आर्टिकल आया हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि दो यहाँ पे दो लोग हैं, जो एक प्रिंसिपल है और एक टीचर है, यानी दो अलग अलग चीज़ को शो कराना होगा, तब दोनों के पहले आर्टिकल लगाएंगे। अगर सिंगल सेम पर्सन या थिंग को शो कराना होगा, तब हम लोग फर्स्ट के पहले, फर्स्ट प्रॉपर नाउन के पहले, फर्स्ट सिंगल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सेकेंड पॉइंट, इसमें क्या बताया गया है कि ए और एन इज यूज्ड बिफोर यूनिट्स और काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। यानी अभी तक जो हम देख लिए कि कहाँ पे आर्टिकल लगाना है, लेकिन इस पॉइंट में भी वही यूज है, यानी आर्टिकल का देखना है कि कहाँ पे यूज होगा। तो अब यहाँ पे दो चीज़ दिख रहा है, एक दिख रहा है यूनिट्स और एक दिख रहा है काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। तो यूनिट का मीनिंग क्या होता है, यूनिट और काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। आप जैसे कि कोई सामान लेने जाते हैं, तो कुछ ऐसा भी चीज़ है जो काउंट करके नहीं दे सकता है। जैसे आप लेने गए हैं राइस, तो राइस जो आप लेने गए हैं, तो अब आप नहीं बोल सकते हैं कि एक राइस दो, आप इसको यूनिट में लेते हैं 1 kg, 2 kg, 1/2 kg। उसी तरह से काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड है, यानी डजन, 100, 100, 1000। तो जहाँ जहाँ भी काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड होगा, यूनिट होगा, तो उसके पहले भी आर्टिकल का यूज किया जाएगा। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, हाफ अ किलो, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसमें क्या, किलो क्या है, काउंटिंग एक्सप्रेसिंग। इसमें देखिए, इसमें क्या बताया गया कि ए और एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन टू डिनोट अ क्लास और अ कास्ट। इसमें यह बताया गया है कि ए और एन का यूज पूरे क्लास को, पूरे कास्ट को शो करने के लिए, बताने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए, एक मेरे पास एग्जांपल है, अ काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, अ काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। अब आप इसमें बताइए कि जो काउ है, और काउ के पहले लगा हुआ है क्या आर्टिकल, और कौन सा आर्टिकल है, ये इंडिफिनिट आर्टिकल है। तो अ काउ का मीनिंग क्या हुआ, ऑल काउ, यानी पूरी क्लास को, पूरे कास्ट को शो कर रहा है, यानी जितने भी काउ हैं वो सब का सब क्या हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। उसी प्रकार एन ऑक्स इज अ यूजफुल एनिमल। इसमें भी देखिए आप, ऑक्स, ऑक्स क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसके पहले आर्टिकल लगा हुआ है। तो अब एन ऑक्स का मीनिंग ये हुआ कि ऑल ऑक्स, यानी जितने भी ऑक्स हैं वो सब के सब क्या हैं, यूजफुल एनिमल हैं। तो अगर जहाँ जहाँ भी शो होगा पूरे कास्ट को, पूरे क्लास को, तो वैसे नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाता है। इसके बाद
अगर देखें आप तो जितने भी सिंगुलर कंटेबल नाउन होंगे उनके पहले भी आर्टिकल ए एन का यूज किया जाएगा। जैसे आप देखिए सिंगुलर कंटेबल नाउन, यानी इनके पहले भी आर्टिकल का यूज होगा, जैसे कि यू आर अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट। इसमें आप देखिए टीचर और स्टूडेंट ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये भी सेम है सिंगुलर नाउन। अब क्या है कि उसके पहले आर्टिकल लगा हुआ है, तो जितना भी इस तरह का आएगा यू आर अ टीचर, यू आर अ राइटर, यू आर अ पोएट, तो जितने भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होंगे, सिंगुलर नाउन होंगे, उनके पहले भी आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करना है। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं आर्टिकल का यूज कहाँ पे किया जाता है, कैसे किया जाता है, पूरे बेसिक रूल आपको बता दिया गया है।